अस्सलाम वालेकुम। आज की थंबनेल की वीडियो नॉट प्री प्लान, ठीक है, हम लाइव बैठ के बनाने वाले हैं। अच्छा, पहले तो हम इसे कर लेते हैं क्रॉप। क्रॉप अपने हिसाब से कर लेना कि भाई एक माइंड में सोच होनी चाहिए कि भाई कहाँ मैंने टेक्स्ट रखना है, क्या करना है। अच्छा, इफेक्ट्स में आके, कलर्स पे आके इसको जो है कर लेना हार्ड लाइट पे, ये आपकी मर्जी है, जो भी कर लो। फिर एफएक्स में जाके HDR कर लेना, और ये ब्लर जो है ना मैं थोड़ा कम कर दूंगा। तो मैं देख रहा था कि भाई ज़्यादा अजीब सी ना लगे, तो ये आप HDR भी कर सकते हो, और यहाँ पे शार्पनेस भी इसको ऐड कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ हमने ना लाइक विंडो है, विंडो से अजीब सी मतलब वाइब आ रही है, तो हम यहाँ ना एक लाइट रखेंगे। अब इसको ना अगर आपको समझ ना भी आए तो आप इसे स्लो करके भी देख सकते हैं, ठीक है, जो चीज़ समझ ना आए। यहाँ पे हमने विग्नेट जो है ना ऐड कर दिया है, आप विग्नेट सर्च करोगे आपको तीसरे चौथे नंबर पर ये वाला विग्नेट आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास लोड शेडिंग का इशू है, मेरे पास डाउनलोड हो रखा था, ठीक है। यहाँ पर हम आ गए क्रॉप सेक्शन में। यहाँ पर ये जो स्ट्रेच वाली चीज़ें हैं ना, लाइक ये आपके थंबनेल का ना मैं कहता हूँ मज़ा ही करा देगा, क्या कहते हैं भाई, चासी करा देगा। क्योंकि यहाँ पर ना आप देखो, शुरू में इतना अजीब सा फील कर रहा था, अब देखो कैसा मज़े का मतलब लुक निकला है, ठीक है। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि भाई मैं इस पर वॉइस ओवर करूँ, लेकिन नहीं भाई, वॉइस ओवर बनता है, क्योंकि आप लोगों को फिर बोरियत होती है, ठीक है भाई, दिखा देते। अच्छा, अब ये खाली जगह थी लेफ्ट पे, मैंने सोचा भाई एक आधा ना ग्लेशियर का इफेक्ट मतलब उसका क्रिएट रख देते हैं। अब देखो, नॉर्मल रखा अजीब लग रहा है, हम इसका बनाएंगे शेडो। इसको डुप्लीकेट करके ना इधर चले जाएंगे आर्टिस्ट पे, और इधर इस वाले इफेक्ट को जाएगा ना इसका बिल्कुल कम कर देंगे, मतलब चारों कम कर देंगे, ये ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। अब उसके लाइट के हिसाब से हम इसे रखेंगे, और रखते साथ इसे कर लेंगे इरेज जो साइड वाले पार्ट्स हैं, ठीक है। तो शेडो कम कर लिया, और ये देखना आप, देखो कितना रियलिस्टिक लग रहा है। तो ये चीज़ जो छोटी छोटी होती है ना, ये थंबनेल को बहुत मज़े का बनाती है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम यहाँ पर फोटो रूम पर। इसका जो है ना हम कटआउट निकाल लेते हैं, क्योंकि यार हमने ना जो भी इफेक्ट्स वगैरह लगाए हैं तो करेक्टर्स पे अजीब लग रहे हैं, मतलब दिखने में अजीब लग रहे हैं। तो हम एक अलग से PNG निकाल लेंगे। अब इसका आ जाता है क्या कहते हैं, ये लोगो आ जाता है। अब ये लोगो हम आराम से इरेज कर सकते हैं, आपको पता है कि भाई साइड पे होता है, इसको इरेज करना कोई मुश्किल बात नहीं। इसे कर लेंगे हम एडजस्ट, और इसका जो है ना एडजस्ट आप स्लो करके देख लेना क्योंकि मैं इतने तेज़ बता नहीं सकता, मैं कोई कंप्यूटर तो हो नहीं, ठीक है। अब मैं ऊपर से वॉइस ओवर कर रहा हूँ, साथ साथ मैं बोल नहीं रहा। अच्छा, अगर मैं साथ साथ बोलता और मैं मतलब वीडियो भी बनाता तो कम अज़ कम अपना तो 1 घंटा जाता, आप मानोगे नहीं। ये मेरी वीडियो 41 मिनट की बनी थी, जिसको मैंने कम करके 9 मिनट की बनाई है, और इसको यहाँ पे ये वाला अलग से मैंने PNG निकाला था, क्योंकि साथ में निकल नहीं रहा था। तो ये भी हो गया हमारा कनेक्ट, मतलब कनेक्ट बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, फिट किया। अब इसका भी एडजस्टमेंट करेंगे, बेकार लग रहा है, ठीक है। इसका थोड़ा बनाएंगे कि भाई कंट्रास्ट थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे, और क्लैरिटी बढ़ाएंगे, सैचुरेशन थोड़ा बढ़ाएंगे, मतलब इसका ना थोड़ा जैसे थंबनेल का लाइट है उसका मतलब कलर है, तो उसके साथ मिलाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है, फिर फिट हो जाता है। अच्छा, यहाँ वरना मेरे से गलती होगी कि भाई यहाँ रह गया, मैंने पुराना वाला उठाया थंबनेल जो अभी रिसेंट का था, तो यहाँ वरना मैंने इरेज कर दिया। ये होती है मतलब प्रोफेशनल तरीका, अगर आपसे कहीं गलती हो भी जाए तो आप ये कर सकते। अच्छा, मैंने यहाँ पर ना लाइक थोड़ा सा ना वो टच दे दिया था लाइट रूम का, तो ये रोक रोक के ना आप देख लेना कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। इसमें मैंने सारा कुछ किया हुआ था, लाइक आपको सिर्फ दिखा दिया जल्दी जल्दी में। आप स्लो भी कर सकते हो 0.5 करके ना इस चीज़ को देख लेना। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने ओवरले सर्च किया था, हाँ ओवरले सर्च करके ना तीसरे नंबर पे था, इसको मैंने डाउनलोड कर लिया, और इससे क्या ही मतलब क्लियरनेस आ रही है, आपको मैंने दिखाया भी कि भाई कितनी प्यारी आ रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये रीमिनी पे ना आप सेव करके आ जाना, रीमिनी पे इसको कर लेना क्लियर, और इस पर फिल्टर पे आके नंबर 4 पे सिलेक्ट कर लेना, ये आ गया। अब आ जाते हैं पिक्सआर्ट, और पिक्सआर्ट में आ गए हैं। अब क्या करते हैं हम, एक अदद बता दो, हाँ। अच्छा, यहाँ पर हाँ रीमिनी का आ जाता है लोगो। अच्छा, लोगो हम मिटाएंगे। अब लोगो मिटाने का तरीका भी आप देख रहे हो भाई, बहुत ही इजी चीज़ है, ठीक है।
अच्छा, अगर तो मतलब मैच नहीं कर पाता आपका कलर्स वगैरह, तो उसको एडजस्टमेंट में जाके उसका ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो, देख सकते हो कि भाई ये फिट हो रहा है नहीं हो रहा। तो फिट इस तरह से किया जाता है, तो काफ़ी बेहतरीन फेडेड लुक आ चुका है। और हम आ जाते हैं एरोज, और एरोज ड्राइंग वाइट करके आएगा, और ये जो है ना दो आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सर्च करके मैंने लाइक डाउनलोड कर लिया था, क्योंकि मुझे इस थंबनेल में मैंने सोच के ही बनाया कि भाई इसमें मैंने क्या क्या करना है। तो इधर हम रख लेते हैं इसको, और इसको इधर रख लेते हैं। अब ये बहुत बड़ा है लॉल। खैर, यहाँ पर हम इसे कर देंगे कट, और ये अच्छा लग रहा है। अब चलेंगे, मेरे ख्याल में हम चलते हैं कि भाई इसका टेक्स्ट बना लेते हैं, लेकिन टेक्स्ट की वीडियो अलग से आएगी। यहाँ पर मैंने टेक्स्ट बना लिया है, तो आपको अगर टेक्स्ट की वीडियो चाहिए कि भाई टेक्स्ट किस तरह से बनाते हो, क्या सीन है, तो यहाँ ओ पे ना मेरा दिल कर रहा था कि मैं इमोजी लगा दूँ, लेकिन इमोजी यार लग नहीं रहा था। तो मैंने बड़ी मतलब कोशिश की, फिर इधर आ गए ना, मैंने जो है उसे ना ओवरले पे रखा, तो वो लाइक ओ के पीछे ही चला गया। मैंने कहा चलो जाने दो भाई। अब यार ये चीज़ें आपको ना स्लो पर देखनी पड़ेगी यार, वरना ये बहुत मतलब 20-25 मिनट की बन रही थी, तो यार इतना किसी के पास टाइम नहीं होता। अतः इधर मैं क्या कर रहा हूँ, इधर मैं कर रहा हूँ कि भाई शेप निकाला, उसका कलर येलो चूज़ किया, और यहाँ पर ये ऐड कर दिया। यार आपको ना मेरी आवाज़ लाइक वीडियो के आगे पीछे दिख रही होगी, ये मैंने यहाँ पर येलो येलो लगा दिया। आप भी जो है ना हार्डनेस कम करके ना इससे ऐसे कर लेना, और इसको ना मैंने लाइक वॉल पे रखा, तो ये इफेक्ट आने लग गया। मैंने कहा चल भाई ये अच्छा लग रहा है, ये सेव कर देती है। खैर बहुत प्यारा लग रहा है, ठीक है। तो यार ये ना मेरी वॉइस पे वो ना करना कि अपनी ना स्लो करके वीडियो देख लेना, आपको ज़्यादा तरीके से समझ आ जाएगी। यार वैसे अगर आपको चाहिए ना कि भाई इजी थंबनेल कोई बता दो, यार इजी थंबनेल भी बना देंगे, बता देंगे कि भाई इजीएस्ट वे क्या चीज़ है, तो फिर वो अब आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा कि भाई ये इतना लंबा प्रोसेस समझ नहीं आता, भाई तरीके से समझाओ या आराम आराम से समझाओ। हाँ, अगर आपको तरीके से वीडियो चाहिए तो फिर लॉन्ग हो जाएगी, तो उसके लिए तो आपको फिर वेट करना पड़ेगा, तो वो लॉन्ग फिर देखनी पड़ेगी। देख लो फिर, आपको अगर चाहिए तो फिर मैं बना दूंगा, मसला थोड़ी है। तो लाइक यहाँ पर आप मेरी वॉइस पे, मैंने जैसे कि बोला मेरी वॉइस पे यकीन ना करना, और इसको ये विगनेट मैंने वही वाला ऐड करके ना डबल करके ना लगा दिया, तो ये इस टाइप का इफेक्ट आ गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ना एक करेक्टर लगाने लगा हूँ, क्योंकि लेफ्ट पे ना जगह खाली रह गई थी। मैंने कहा यार खाली जगह रहनी नहीं चाहिए मेरी जान, तो लेफ्ट पे हम लगा देते हैं भाई हैवी। तो इसके पीछे कर लेंगे एक अदद लाइट लगा देंगे, इसको बैकवर्ड कर देते हैं, और अब लाइक अच्छा नहीं लग रहा ना, तो इसका डुप्लिकेट करके ना एक बना लेंगे ओवरले। इसको करेंगे तो ये बहुत हार्ड लाइट देने लग जाएगा, बड़ा करके ना इसको रेज करेंगे, इन्वर्ट करके ना इसको लाइक हार्डनेस कम कर दो, और साइज छोटा रख के ना इसको ऐसे ना ऐसी ऐसा इफेक्ट दे दो कि भाई एक लाइट ना मतलब क्रॉस हो रही है आपके कंधे से, या जो भी है मतलब ये तरीक़ेकार होता है। खैर, और इसको यहाँ पर हमने ये ऐड कर दिया, और भाई आप अब हो गया यार, मतलब उसी वाइट लाइट का हम बना रहे हैं एडजस्टमेंट, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से देख लेना, आपको जैसे ठीक लगे। तो मैंने बना लिया, और ये आपको मैं सेव करके दिखाऊंगा कि भाई कितना प्यारा लग रहा है। तो यार ये कोई प्री प्लान नहीं था, ठीक है, ये लाइव बनाया। तो कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब कर देना, और अगर इजीएस्ट वे चाहिए कोई बता दो कि भाई क्या करना है, तो फिर कमेंट में बताना पड़ेगा यार, गपशप लगाओ, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।